नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारीगण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आजमगढ़ स्थित सिबली कॉलेज में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिम्मेदारियां विषय पर रविवार को एक दिवसीय कौमी इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामवर उलमाएं कराम दानिश्वर साहिबान यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जिम्मेदार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। इजलास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जेट के फैजान, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आजम बेग, सचिव अबरार सहित तमाम लोग शरीक हुए। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, जी, आज कौमी इजलास का क्या पर्पस, मकसद क्या है? मैं डॉक्टर आजम बेग, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी गण जो भी कार्य कर रहे हैं, उन पर आधारित एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो देश को कैसे सेकुलरिज्म के ताने बाने से जोड़कर रखे, देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे, इस पर कार्य कर रही है। आज उसी का एक कौमी इजलास नेशनल लेवल पर, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से उलमाए किराम, दानिश्वराने उजाम और सेकुलर फोर्सेस के नुमाइंदे, विभिन्न सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि, अंजुमनों के, तंजीमों के, मदरसों के, खानकाहों के और मकबरों के जिम्मेदार आए हुए हैं, उनसे चर्चा हो रही है। 26 दिसंबर 2021 को पहले से निर्धारित और निश्चित कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ पर एक इजलास रखा है। उसमें हमारे मुख्तलिफ अहदेदारान तशरीफ लाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के मोहतरम अबरार चीकू साहब हैं, जो नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सहसहयोगक मोहतरम